कैंसर का एक बहुत सामान्य इलाज है रेडिएशन थेरेपी। ये कब रेकमेंड करी जाती है और कब करवानी चाहिए, बताएंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जेबी शर्मा। रेडिएशन थेरेपी को दो जगह पे यूज किया जाता है। एक तो क्योरेटिव सेटिंग हो, जब पेशेंट कम्प्लीटली क्योर हो तब उसको मल्टी मोडेलिटी तरीके से यूज किया जाता है, और दूसरा होता है पैलिएटिव सेटिंग। अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है या ब्रेन में मेटास्टेसिस आ गए हैं या कहीं पे एक ही लोकलाइज जगह है, तो रेडिएशन पैलिएशन के लिए दे जाता है ताकि पेन कम हो जाए या प्रेशर कम हो जाए या पेशेंट का जो ब्रेन में फैला हुआ वो कम हो जाए। अब एडजुवेंट जो सेटिंग होती है जहाँ पे कंप्लीट क्योर का वो हम रिकमेंड करते हैं, उस टाइम पे जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में ऑपरेशन कर दिया, कीमोथेरेपी होगी, उसके बाद अगर लिम्फ नोड जाता हो तो उसमें रिकमेंड किया जाता है एडजुवेंट रेडिएशन। हेड एंड नेक कैंसर है, गले का कैंसर है, वहाँ पे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इसके इस्तेमाल होती हैं। सर्वाइकल कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, वहाँ पे कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी दोनों को यूज किया जाता है। अर्ली स्टेज में सर्जरी या सेकंड और थर्ड स्टेज में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों को यूज किया जाता है। कैंसर के बारे में और जानने के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।